क्या ये आज मेरे ओमान की लास्ट शॉपिंग होगी? इसी बात पे आज लगी है मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में शर्त, और ये शर्त सिर्फ मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में नहीं है, बल्कि ये हर एक वाइफ और हस्बैंड के बीच की शर्त समझ लीजिए। तो ये हम आपको बताएंगे एंड में कि क्या हुआ और ये क्या बात है। तो ये पता करने के लिए आपको मेरा व्लॉग पूरा एंड तक देखना होगा, और बीच में स्किप मत करिएगा, क्योंकि व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगर ना भी मज़ा आए तो आप कॉमेंट करके हमको बता दीजिएगा कि आपको व्लॉग अच्छा नहीं लगा। बज रहे हैं शाम के 6 और हम लोग घर से निकले शॉपिंग करने के लिए। खाना हम लोगों ने खाया था 2 बजे, तो अभी भूख लग रही थी तो हमने ये मरहबा प्लेटर ऑर्डर कर दिया, जो कि मेरा फेवरेट है, और जब कभी भी हम लोग उबरा आते हैं तो ये प्लेटर जरूर ऑर्डर करते हैं, वो भी मेरे ज़बरदस्ती, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी लेना नहीं मांगते और हम कहते कि नहीं बाहर आए हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ खाएंगे, या तो आइसक्रीम खाएंगे या फिर ये शॉर्मा की प्लेट खाएंगे। तो अब हम लोग जा रहे हैं अलमीरा मॉल और लुलू हाइबा मार्केट के बाद हमको ये सेकेंड बेस्ट प्लेस लगती है शॉपिंग करने के लिए। वैसे तो हम लोगों ने ग्रैंड मॉल से भी शॉपिंग की है, रामेश से भी शॉपिंग की है, बट हमको लगता है कि अलमीरा बेस्ट है। और यहाँ जाने की दूसरी वजह यह भी है, क्योंकि आज हमने घर में सिर्फ सालन बना के आए हैं, रोटी तो हमने बनाई नहीं, क्योंकि रात के टाइम में तो अभी हम यहाँ हैं, और यहाँ से हम लोगों को लेने हैं यहाँ के टेस्टी टेस्टी खुबूज, जो कि 2 दिन तक सॉफ्ट रहते हैं। आज गए हम लोग अलमीरा हाइपर मार्केट, और ये देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा रश है, क्योंकि यहाँ पे अभी वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं और वेकेशंस की वजह से भी भीड़ है। और खैर सब जो है दिन के टाइम में भी कोई शॉपिंग करने नहीं आता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ पे धूप होती है तो सब शाम के टाइम में ही निकलते हैं, और पार्किंग की बिल्कुल जगह नहीं थी। हमेशा जो है हम लोग अंदर की तरफ पार्किंग करते हैं, बट आज हम लोगों को बाहर की तरफ ही पार्किंग करनी पड़ी, और ये पूरा एरिया जो है हम लोगों को चल के जाना पड़ रहा है अंदर, जो कि आज से पहले हम कभी नहीं गए। मार्केट में एंटर करते ही सबसे पहला मेरा जो काम होता है वो ये कि इनको हैंड ओवर कर देते हैं हम अपनी लिस्ट, जो कि हमने बहुत मेहनत से बनाई है, और बाकी काम अब इनका है कि ये इनको कहाँ से क्या क्या सामान लेना है, ये आगे आगे चलते रहेंगे और हम इनके पीछे पीछे चलते रहेंगे। पहला और इम्पॉर्टेंट सामान जो हम लोग को लेना था ना, वो था बुग्गू का फूड। बुग्गू बहुत ही पेक्यूलियर है, वो अपना बिस्किट वगैरह या मीट वगैरह कुछ नहीं खाता है, उसको सिर्फ अपना यहाँ से विस्कस का ट्यूना या कैन फूड ही चाहिए, बहुत ही नखरे वाला है। और मेरी दूसरी जो बेबो है ना बिल्ली, वो बहुत ही सिंपल सी हाउस वाइफ है, वो उसको कुछ भी खाना दे दो ना, वो तो बेचारी आलू भी खा लेती है। खैर हमने सोचा कि बेचारी बच्चे के लिए यहाँ से कुछ खिलौने ले लें, बट यहाँ पर तो सिर्फ डॉगीज के खिलौने थे, किटन के थे ही नहीं। खैर हमने छोड़ दिए, और उसके बाद फिर यहाँ से हम लोगों ने फूड लिया, और फूड पिक करने का काम जो होता है ना यहाँ पे, वो अरीब का होता है, क्योंकि बुग्गू जो है वो उसी का पेट है, उसको मिला था बर्थडे में, और वही उसका ज़्यादा ख्याल रखता है। तो यहाँ पे इसका कैन फूड हम लोगों ने ले लिया है, और उसके बाद बकरीद आ रही है तो फिर यहाँ से मसाले वगैरह खरीदने थे हमको, तो ये रेड चिलीज ली थी बट इसका कलर बिल्कुल अच्छा नहीं था, तो वो हमने छोड़ दिया। और हमने फिर शाही कंपनी का यहाँ से लिया था, उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ मसाले के इसमें जो बॉक्सेस मिलते हैं, क्योंकि मेरे बॉक्सेस भी ख़त्म हो गए थे मसाले के, और 2-3 ही मसाले हमको लेने बाकी, क्योंकि हम तो खुद ही घर में बना लेते हैं अपने मसाले। तो सबसे पहले हमने लिया यहाँ से चाट मसाला, तो पहले हमने देखा नहीं था कि मेहरान का नहीं है, बाद में देखा हमने, तो यहाँ से लिया हमने पुलाव का मसाला नेशनल का, और उसके बाद मेहरान का चाट मसाला लिया, और कढ़ाई गोश्त का मसाला लिया। फिर मैंने घर में सॉसेस भी ख़त्म हो गई थी, जो कि आपको पता ही है कि लास्ट ब्लॉग में हमने चिकन चिली बनाई थी, तो सारी सॉसेस ख़त्म हो गई थी, कॉर्नफ्लावर भी ख़त्म हो गया, तो वो लेना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। कॉर्नफ्लावर उस जगह पे नहीं मिल रहा था, आगे वाले सेक्शन में जाके ढूंढना पड़ा। हस्बैंड जी कह रहे थे कि स्वीट सेक्शन में मिलेगा, बट स्वीट्स के सेक्शन में नहीं था, वो मतलब सॉसेस के सेक्शन में ही मिला। मॉल से हमको चिकन लेना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि घर के पास जो चिकन मिलती है ना वो इतनी क्लीन होती है, और उसके बोनलेस पीसेस भी इतने अच्छे नहीं थे। तो जब हमको कभी होल चिकन लेना रहता है तो हम घर के पास से ले लेते हैं फ्रेश वाला, और फ्रोज़न में से यहाँ से जो है बोनलेस पीसेस ले लेते हैं। और इसलिए भी ली है क्योंकि मेरे रेसिपी के लिस्ट में, ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट में है मेरे अभी सिंगापुरियन राइस, तो बहुत ही जल्द हम बनाने वाले हैं और उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर ज़रूर हम शेयर करेंगे। ब्रेड भी ख़त्म हो चुका था तो हम लोग ब्रेड के सेक्शन में गए, और यहाँ बहुत ही अच्छे
अच्छे अच्छे डिलीशियस डिलीशियस अलग अलग फ्लेवर के ब्रेड और पैटिस मिल रहे थे, बट मेरे घर में किसी को पसंद आते नहीं हैं। और ये है वो रोटी जिसके हम बात कर रहे थे, तो ये खुबूस है, अलग अलग फ्लेवर में ये भी मिलती है। तो ये मोटे मोटे नान की तरह थी, ये हम लोगों ने नहीं ली, और ये वाली पतली वाली ली थी, वैसे ये भी थोड़ी मोटी थी बट ले ली थी, ये वाली अच्छी रहती है। उसके बाद जो है ब्रेड के सेक्शन में आए, तो यहाँ पे से हम लोगों ने सिर्फ बन ही ली, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ स्लाइस ब्रेड और बंस ही खाते हैं, और भी कोई भी वाला भी ब्रेड मेरे घर में नहीं चलता, वैसे सब पराठे के दीवाने हैं। तो बकरीद से पहले पहले हमने सोचा कि एक बार फिश भी खा ली जाए, क्योंकि बकरीद में तो सिर्फ मीट ही मीट सब तरफ रहेगा, तो सोचा कि एक बार फिश खा लें या प्रॉन्स ले लें, बट प्रॉन्स यहाँ अवेलेबल नहीं थी तो छोड़ दिया हम लोगों ने। और फिर फ्रोजन प्रॉन्स तो लेनी नहीं, क्योंकि फिर वो बिल्कुल ही हमको लगता है कि सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। और यहाँ पे हमको मिल गई ये डेयरी मिल्क, तो आज यहाँ भंडार खुला था डेयरी मिल्क का, जो कि पहली दफ़ा हमने देखा। तो 2-3 साल पहले जब हम आए थे यहाँ पे ना, तब हमको डेयरी मिल्क मिलती ही नहीं थी, इतनी हम ढूंढते थे मगर दिखाई नहीं देती थी, और आज जब हमको नहीं लेनी है तो हमको इतनी सारी नज़र आ रही है। खैर यहाँ पे है ये कुकीज़ के डब्बे प्यारे प्यारे से, जिनको गिफ्ट देना है कुकीज़ या चॉकलेट्स तो वो ले सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ की मेरी शॉपिंग ख़त्म हो गई थी, और हम यहाँ पे बस ऐसे ही अपना कैमरा को घुमा रहे हैं, और बिलिंग वगैरह जो है हस्बैंड जी उधर करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हम लोग जाएंगे दूसरी मॉल, और वहाँ से हम लोगों को घर की यूटिलिटीज़ का सामान लेना है। बताते हैं आपको कि शर्त किस बात पे लगी थी। मेरे हस्बैंड ने हमसे कहा कि शॉपिंग पे जो है हम लोग जो है बकरीद से 1-2 दिन पहले जाएंगे, बट हमने कहा कि घर में तो सामान ख़त्म हो गया है तो हम लोग अभी चलते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये तुम्हारी लास्ट शॉपिंग होगी बकरीद से पहले की। तो हमने भी कह दिया ठीक है, कहने में क्या जाता है। तो हम सब लेडीज़ को पता ही है, और सारे जेंट्स को भी पता ही है कि जब तक फेस्टिवल या कोई स्पेशल ओकेजन ओवर नहीं हो जाता है, तब तक एंड मोमेंट तक जो है ना शॉपिंग जो है वो चलती ही रहती है। तो फिर ऐसी तो शर्त लगानी ही नहीं चाहिए थी इनको, बट अब जब इन्होंने लगा ली तो हमने भी लगा ली। हार गए तो हार गए, जीत गए तो जीत गए, हार गए तो भी मेरा फायदा, जीत गए तो भी मेरा फायदा। अब ये दोनों फायदा कैसे है, ये आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन दोनों बातों में मेरा फायदा किस तरह से है। नेक्स्ट हमारा शॉपिंग डेस्टिनेशन था सूक अल अरब, और यहाँ का पहले भी मैं आपको शॉर्ट्स में दिखा चुके हैं। ये मेरे घर के पास बहुत ही ज़बरदस्त मॉल खुला है, और इसमें जो है ना रीज़नेबल प्राइसेस में आपको सामान मिल जाता है, मतलब 2 रियाल के अंदर अंदर आपको हर चीज़ मिल जाएगी। और ब्रांडेड आइटम्स नहीं है बट काफ़ी अच्छे हैं, और इंडिया का सारा सामान आपको मिल जाएगा, जैसे कॉलगेट है, पेप्सोडेंट है, जो जो आइटम्स इंडिया के होते हैं ना वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। और हमको तो बहुत ही पसंद आती है ये मॉल, और घर का सारा ज़रूरत का सामान आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ऐसे तो हमको भी यहाँ से कुछ ज़रूरी आइटम्स ही खरीदने थे, बट 1-2 हमने बेकार के आइटम्स भी ले लिए, मगर बेकार के नहीं थे, मेरे लिए वो काम के थे मगर मेरे हस्बैंड की नज़र में वो बेकार थे। हम आपको दिखाएंगे वो क्या क्या चीज़ थी बेकार सी। तो यहाँ से सबसे ज़रूरी सामान जो हम लोगों को लेना था ना वो था गार्बेज बैग्स, क्योंकि ना 2-3 दिन से मेरे गार्बेज बैग्स ख़त्म हो गए, और ये जो प्लास्टिक के बैग्स होते हैं नॉर्मल से उसमें हमको कचरा फेंकना पड़ता है, तो 2-3 बैग्स हो जाते हैं और फिर उसको उठाकर फेंकने में बहुत ही मुश्किल होती है। तो एक बड़ा सा गार्बेज बैग हो उसी में सबके सब लाद दो ना तो अच्छा रहता है। यहाँ से हमने लिया था ये बबल मेकर, और हस्बैंड जी बहुत चिड़चिड़ाने लगे थे कि तुम क्यों ले रही हो, तुम मुन्नी बच्ची हो जो तुम इसके साथ खेलोगी। तो हमने कहा अरे भैया हम अपने लिए नहीं ले रहे हैं, ये हम अपनी मुन्नी बच्ची जो किटीज़ है ना उनके लिए ले रहे हैं, तो हम इनको उड़ाएंगे और मेरी किटीज़ जो है इनके पीछे पीछे भागेंगी। और उससे पहले जो है जो मेरा किट्टा है अरीब ये आ गया, और इसने मेरे हाथ से ये ले लिया और ये चलाने लगा, तो फिर इसको डांट पड़ी कि घर जाके खेलना इससे।
नेक्स्ट आइटम जो हम लोग को यहाँ से लेना था वो था ग्लासेस, क्योंकि मई के महीने में ना बहुत सारे ग्लासेस टूटे हैं, इनफैक्ट प्लेट्स भी तोड़ दी अमाद ने और एक बोल का ढक्कन भी तोड़ दिया और न जाने क्या क्या तोड़ा होगा जो हमको नहीं मालूम। तो खैर ग्लासेस हम लोग को यहाँ पर समझ में नहीं आया, तो वो जो हमारे पास सेट है ऑलरेडी ना, तो हम लोगों ने सोचा लुलू जाके वहीं से लेंगे, क्योंकि पहला वाला सेट भी हम लोगों ने वहीं से लिया। शॉपिंग यहाँ पे हो गई हमारी और यहाँ हम लोग लाइन में खड़े हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स कस्टमर्स थे यहाँ पे और यही बात है क्योंकि यहाँ की क्वालिटी और प्राइस बहुत अच्छे हैं, इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं और हस्बैंड जी भी यहाँ पे लगे हुए थे लाइन में, तो हम लोग तो साइड में खड़े हो गए और इतनी भीड़ देख के ना काउंटर वालों ने भी ना दूसरा काउंटर जल्दी से ओपन कर दिया ताकि जल्दी से यहाँ से रश निकले। तो खैर हम लोग शॉपिंग तो कम्प्लीट हो ही गई थी, तो हम जाके बाहर कार में बैठ गए थे आराम से और उसके बाद हस्बैंड जी और बच्चे जो हैं वो सारा सामान लेके आए, क्योंकि ये सारी ड्यूटीज़ उनकी है, घर का जो भी काम होता है सारा का सारा वो हम करते हैं और बाहर का जो भी काम होता है ना वो ये लोग करते हैं। हम लोग जा रहे हैं घर और देखिए अभी 8-9 ही बज रहे हैं मगर इतना सन्नाटा हो रहा है रात में, क्योंकि जो है ना इतनी गर्मी हो रही है बाहर के कोई भी बिना एसी के बाहर रहना नहीं चाहता, सबके सब जो है अपने घर जा के एसी में छुप गए और हम लोग भी जल्दी से घर जाएंगे, एसी चलाएंगे, ठंडा ठंडा पानी पियेंगे, खाना खाएंगे और सो जाएंगे। लेकिन हमको फिक्र हो रही थी अपनी किटीज़ की कि वो क्या कर रहे होंगे, कहीं इधर उधर नहीं भाग गई हों, सोफ़ा के नीचे नहीं छुप गई हों, बट खैर अल्हम्दुलिल्लाह घर के अंदर जा के पता चला कि वो लोग बहुत ही अच्छे से आराम से सो रही थी। तो यहीं तक था मेरा आज का ब्लॉग, उम्मीद आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो एक बार लाइक जरूर करिएगा और जो नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।